जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी मनोज्ञ श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के सम्मुख 14वीं बार आयोजित 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के दुर्लभ दृश्य, जिसमें आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ससंघ का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा विधान वाचन किया गया। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के द्वारा इस क्षेत्र पर चतुर्दश बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का शुभारंभ हुआ। प्रिय बंधुओं, हम मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तप त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, पद प्रतिष्ठा को पाते हैं। काय के लिए पाते हैं? क्या मान कसाई के लिए, क्या अहंकार के लिए? ये मंदिर जो है आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना का द्वार है, ये मान कसाई का द्वार नहीं है। आज सौभाग्यशाली शांति धारा करवाने वाले पात्रों में श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, सुमित जैन, मिताली जैन, गरिमा, सृष्टि, भूमिका, विविध, मोक्ष, अमोल, चर्चा जैन, सहारनपुर वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री आशीष जैन, नरेंद्र जैन जी स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन की पुण्यतिथि पर मनोरमा सुपुत्र विभव जैन जी एवं श्री आदेश जैन, अतिशय जैन के जन्म दिन पर भूपेंद्र जैन, अनुभव जैन, आयन जैन, ममता जैन, चिप्रा जैन दिल्ली, श्रीमती शकुलना सेठी, पंकज कुमार जैन झारखंड रांची, राजीव जैन सापरिवार मवाना, श्री बंदिता जैन, प्रदीप जैन दिल्ली द्वारा एवं राजकुमार जी जैन दिल्ली, अरुण जैन, निशा जैन, अभय जैन, संतोष जैन अम्बाला, आदेश जैन हरदोई, सी कोरोना संक्रमित पूरा परिवार गए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सुरेंद्र मालविया, कैलाश सर्वे, नमिता, अंकित, अर्पिता जैन मालविया सपरिवार, सी कमलेश जैन, डॉक्टर अरुण जैन उत्तराखंड काशीपुर, पुलिन गर्ग, सोना जैन, प्रदीप जैन, रिद्धि जैन पौत्र श्री जितेंद्र पाटनी के जन्म पर अलवर, राजकुमार राजपाला जैन मुजफ्फरनगर, कुमारी महक जैन, संजीव जैन दिल्ली, अतुल कुमार जी जैन बड़जात्या व्यावर, श्रीमती मिश्री देवी जैन व्यावर, बाबूलाल जी जैन द्वारा निखिल, सुशीला, नीरज, पूनम, करिश्मा जैन गोघाटी आसाम, सुखचंद जी जैन दिल्ली, अजय जैन, सिद्धांशी जैन सहारनपुर, परेश कुमार, श्रुति जैन बिजनौर, सिद्धि जैन, जितेंद्र जैन पाटनी अलवर, प्रतीक जैन, काव्या जैन पुत्र श्री पुदीप कुमार जी जैन, कर्मला कल्पना जैन भरूच गुजरात, श्रीमती कृष्णा देवी जैन सूरत, राकेश जैन, सुनीता जैन, प्राची जैन, अजीत जैन, सुभा जैन, राजेंद्र जैन, नव्या जैन मेरठ, स्वर्गीय संजय जी की पुण्य स्मृति पर
श्रीमती श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती सेफ्ती जैन, श्रीमती धनसवाला जैन की पुण्य स्मृति में श्री मोतीलाल जी, सुधीर जैन, रजनी जैन, प्रेमला जैन, लंदन निवासी श्री रमेश चंद, श्री रमा जैन, रमेश चंद जी जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, देवांशु जैन, सुजन, पालम कॉलोनी दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री अनिल कुमार, मुकेश कुमार जैन, महामंत्री दिगंबर जैन, तीक्षित कमेटी हस्तनापुर, नीरज जैन, अमरीश जैन, सरफ सा परिवार, मेरठ निवासी श्रीमती फूलवती जैन, मातेश्वरी विजय कुमार बैंक वाले, श्रीमती चक्रे जैन, संजय जैन, पूनम जैन, स्तुति जैन, श्री राजीव जैन, रीना जैन, अंकिता जैन, वरुण जैन, सुरभि जैन, हर्षद जैन, वंदिता जैन, पारस जैन, रिद्धिमा जैन, संगीता जैन, संजय कुमार जी, अमन जैन, बसल जैन, रेलवे रोड मेरठ निवासी सा परिवार, श्रीमती पदम श्री जैन, मातेश्वरी श्री राजेंद्र कुमार जैन, गैस वाले सुमन जैन, सम्यक जैन, जैन मंडी मवाना निवासी सा परिवार, श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस जैन सा परिवार, दिल्ली निवासी श्री सुशील जैन, सुशीला जैन, स्वप्निल जैन, विकास जैन, स्वाति जैन, वैभव जैन, तारा देव चीनी, मोदी नगर सा परिवार, श्री रवि जी, सुषमा जी, निखिल जैन, रीतिका जैन, निर्माण जैन, प्राची जैन, दिशा जैन, अतिशय जैन, राजनगर गाजियाबाद निवासी सा परिवार, पवन कुमार जी, श्यामा जी, रजनी जैन, अजय जैन, रूपा जैन, राहुल जैन, वैशाली जैन, नव्या जैन, प्रियांशी जैन, वत्सल जैन, सदर सराफा बाजार मेरठ निवासी सा परिवार, श्री संजय कुमार जी, रेणु जैन, दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री राजीव जैन, निशा जैन, सागर जैन, नेहा जैन, साहिल जैन, आदिविक जैन, मवाना निवासी सा परिवार, श्री राजीव कुमार जी, गैस वाले स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा जैन की पुण्य स्मृति में राजीव कुमार जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती रीना जैन, समस्त श्रुति जैन, प्राची जैन, श्रेया जैन, राजेंद्र कुमार जी जैन, सहारनपुर निवासी सा परिवार, श्री विकास कुमार जी, दीपिका जैन, प्रियांशी जैन, पुनीत जैन, प्रियंका जैन, दरियागंज दिल्ली निवासी सा परिवार, अनिल कुमार जी, वीना जैन, अक्षत जैन, अनन्या जैन, रुड़की निवासी सा परिवार, श्री जे सी जैन, सुनीता जैन, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की निवासी सा परिवार, श्री गुप्तदान मुजफ्फरनगर निवासी, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, प्रमोद जैन, वैशाली जैन, विकास जैन, सिद्धांत जैन, मुजफ्फरनगर निवासी सा परिवार, अजीत प्रसाद जैन, दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री रामभूल जैन, राजवाला जैन, सरधना निवासी सा परिवार, प्रमोद जैन, सुमन जैन और वश जैन, रितिका जैन, ध्यय जैन, मुजफ्फरनगर निवासी सा परिवार, दिनेश जैन, बबीता जैन, आका जैन, अक्षत जैन, माजरा देहरादून निवासी सा परिवार, अरुण जैन, गुवाहाटी वाले, ज्योति जैन, आयु जैन, अक्षत जैन, मेरठ निवासी सा परिवार, जम्बू प्रसाद, सरोज जैन, संजय जैन, नीटू जैन, पंकज जैन, स्वाति जैन, अंशिका जैन, यथार्थ जैन, समय जैन, सुहानी जैन, रजनी जैन, दामाद मनीष जैन, नेहरू नगर गाजियाबाद निवासी सा परिवार, आशीष जैन, अमित जैन, विनोद जैन, सुदेश जैन, निधि जैन, तरुणा जैन, अनिका जैन, दिल्ली निवासी सा परिवार, नरेंद्र जैन, नावले वाले, सुदेश जैन, विपिन जैन, संगीता जैन, अभिषेक जैन, आंचल जैन, रिद्धि जैन, छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे सब सुंदर नाचे रे ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुंदर
जानते गए, देखते गए और बिगड़ते भी है। देखते कि नहीं, जानने और देखने के बाद में हमारा तीसरा रिएक्शन होता है, लेकिन सिद्ध प्रभु का वो रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ जानते और देखते गए। तो ऐसे सिद्धों की महिमा का हम सभी गुणानुवाद करेंगे और उनके चरणों की रज अपने माथे से लगाएंगे कि ये भगवान किराए के घर में बहुत समय बीत चुका है, अब मुझे अपना निजी घर जैसे आपने बनाया है उसी के माध्यम से हमें भी आपके पद चिन्हों पर चल करके। उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? तो उन्होंने संयम और तप का मार्ग अपनाया। हम उन्होंने साधनों को छोड़ करके साधना का मार्ग अपनाया और अपन किस में साधना के मार्ग में संलग्न रहते हैं कि साधनों के मार्ग में। और आचार्य कहते हैं कि साधनों में कभी भी सुख नजर नहीं आता। बड़ा सुखी वो जाऊंगा, बढ़िया चॉइस की, कलर की, सब कुछ गाड़ी कंपनी की सब बढ़िया खरीद ली, लेकिन दूसरे दिन हस्तनापुर आने की भावना जगी, ड्राइविंग आती नहीं थी। अब ड्राइवर यदि नहीं आया तो अब बताना आपको वही गाड़ी सुख देने वाली लग रही कि दुख देने वाली। तो ऐसे यहाँ पर उन सिद्ध प्रभु ने, वो भी हमारे जैसे संसार में थे, शांतिनाथ को ही देख लीजिए, वो भी छह खंड के अधिपति थे, 96,000 रानियां थी और सब कुछ वैभव उनके पास में था, लेकिन उन्हें उसमें सुख नजर नहीं आया। तो उन्होंने साधनों को छोड़ करके और कौन सा मार्ग अपनाया? साधना का मार्ग अपनाया, अर्थात संयम पथ पर चल पड़े और तप को, तप रूपी अग्नि में जो किट्ट काली माँ उन्हें अनादि काल से लगा रखी थी, किसके माध्यम से? राग के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से, कसाय के माध्यम से, उस काली माँ को तप रूपी अग्नि से क्या कर दिया? जला दिया और क्या हो गए? शुद्ध बन गए। और जैसे ही शुद्ध बने, कर्म रूपी भार उनका कम हुआ, तो कहाँ पहुंच गए? सिद्धालय में पहुंच गए। आज भोगोपभोग परिमाण का व्रत दिन है, क्योंकि तप क्या है? बाहर से अग्नि में नहीं तपना है हमें। तप का मतलब उमा स्वामी आचार्य ने बताया, इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं को नियंत्रण में करना, कम करना। आज मैंने शांति धारा कराई है, मुझे शांति धारा कराने से बहुत ही आनंद मिला है, बहुत शांति मिला है। मैं अभी सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप भी सब लाभ उठाए और घर बैठे ही अपना विधान कराए, बहुत शांति मिलती है सबको। जय जिनेन्द्र। जय बोलो शांतिनाथ कुंतनाथ अरे नाथ भगवान की जय। श्री दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीन बड़ा मंदिर हस्तनापुर के अंदर श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन पिछले 14 वर्षों से चल रहा है। बहुत ही शांतिपूर्वक इस विधान का आयोजन हो रहा है। इस विधान को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और हमारे प्रतिष्ठाचार्य आशीष जी आदि सभी पंडितगण बहुत शांति से, बहुत ही शुद्ध भावों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य ही अपना नाम इस महायज्ञ के अंदर लिखवाएं, इससे आपको निश्चित रूप से शांति की प्राप्ति होगी। यहाँ पर शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ भगवान के चार चार कल्याणक हुए हैं। यहाँ पर आकर सब शांति विधान करें, यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है और आप यहाँ शांति धारा लिखवाएं, उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं,
कमाल वाले कमान से तीर बदल देते हैं। अरे कोई बदले या ना बदले, ये शांतिनाथ सबकी तकदीर बदल देते हैं। ऐसे शांतिनाथ कुंतनाथ अरे नाथ भगवान के चरणों में आकर शांतिनाथ विधान अवश्य करे। 14 साल हो गए यहाँ पे शांतिनाथ विधान होते हैं। भूगर्भ से प्राप्त शांतिनाथ मूर्ति के सामने हम हर साल बैठते हैं। मैं सब बहन भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कोई ना आवे, घर बैठ के जहाँ हसनापुर के दर्शन किए उस मूर्ति को मन में धारण करके आशा रखे और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हसनापुर की पवित्र भूमि पर 3-3 भगवानों के 4-4 कल्याणक हुए हैं, तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग घर बैठे ही इस पाठ का आनंद लें और अपनी तरफ से एक एक पाठ अवश्य कराएं। छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे, घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे रे। घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे बाजे।